हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप देख रहे हैं द डीमन न्यूज़ का एक नया एपिसोड, जहां पर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ कमाल की न्यूज़ जो कि है एनएक्सटी टेकओवर न्यूयॉर्क से रिलेटेड, जॉन सीना के रेसलमेनिया मैच से रिलेटेड और WWE के न्यू टैग टीम टाइटल से रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएक्सटी टेकओवर न्यूयॉर्क से रिलेटेड, जहां पर कुछ कमाल के मैचेस थे और वर्थ सीइंग है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा एक बार एनएक्सटी टेकओवर न्यूयॉर्क, जहां पर पहला मैच था हमारे पास वेलवेटीन ड्रीम वर्सेस मैट रिडल का, जो कि एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप से रिलेटेड था। वहां पर वेलवेटीन ड्रीम ने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर ली और एक कमाल का मैच था। उसके बाद अगला मैच टैग टीम टाइटल से रिलेटेड था, जो कि वॉर रेडर्स का मैच था अगेंस्ट अलेस्टर ब्लैक एंड रिकशे। तो ये मैच भी बहुत सही था और वॉर रेडर्स ने यहां पर भी सक्सेसफुली अपनी जो है टैग टीम टाइटल्स एनएक्सटी की डिफेंड कर ली। अगला मैच हमारे पास एनएक्सटी यूके चैंपियनशिप से रिलेटेड था और ये मैच पीट डन वर्सेस वॉल्टर के बीच में था और ये मैच कमाल का था, 5-स्टार रेटिंग के वर्दी मैच था। लेकिन यहां पर पीट डन अपनी चैंपियनशिप हार गए और वॉल्टर आपके नए यूनाइटेड किंगडम चैंपियन है। उसके बाद अगला मैच विमेंस चैंपियनशिप को लेकर के था एनएक्सटी की, जो कि शैना बेजलर वर्सेस लो शेराय वर्सेस बियांका बेलर वर्सेस काइरी सेन था। ये मैच भी बहुत सही था, लेकिन यहां पर भी शैना बेजलर ने अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड कर ली। उसके बाद द परफेक्ट 5-स्टार वाला मैच था, वो था जॉनी गार्गानो वर्सेस एडम कोल का और ये बहुत सही मैच था क्योंकि 2 काउंट ऑफ 3 फॉल्स मैच था और यहां पर वेकेंट चैंपियनशिप थी, जो कि टोमासो चैंपा की इंजरी की वजह से ऑब्वियसली वेकेट करनी पड़ी थी और उसके लिए जो है एडम कोल वर्सेस जॉनी गार्गानो का मैच रखा गया था और यहां पर जॉनी गार्गानो ने जीत लिया और बन गए हैं नए एनएक्सटी चैंपियन। अब देखते हैं कितने दिनों तक जॉनी गार्गानो रहते हैं और आगे की स्टोरी लाइन कैसे चलती है एनएक्सटी की, क्योंकि जॉनी गार्गानो आपके नए एनएक्सटी चैंपियन। उसके बाद अगली न्यूज जॉन सीना से रिलेटेड है, जहां पर कर्ट एंगल ने काइंड ऑफ कंफर्म कर दिया है, एक्चुअली कंफर्म कर दिया है। कर्ट एंगल ने कहा है कि उन्होंने जो है जॉन सीना के लिए, वो बहुत एक्साइटेड था, वो खुद चाहते थे कि जॉन सीना के साथ उनका मैच हो, लेकिन सैडली नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है, जो कि होपफुली हो सकता है। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कह दिया है कि ये जो है जॉन सीना का मैच कंफर्म है और उन्हें पता है कि जॉन सीना इज गोइंग टू हैव अ मैच। तो ये बहुत सही न्यूज निकल करके आ रही है, क्योंकि कर्ट एंगल जो है उन्हें कहीं ना कहीं अंदर की न्यूज है और उन्हें पता है कि जॉन सीना अपीयर होने वाले हैं, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है। उन्हें पता है कि अभी तक कोई बुकिंग नहीं है, बट स्टिल उन्होंने कंफर्म तो कर ही दिया है कि जॉन सीना अपीयर होने वाले हैं रेसलमेनिया में। अगली न्यूज WWE की टैग टीम डिवीजन से रिलेटेड है, जहां पर टैग टीम डिवीजन के नए बेल्ट्स आ गए हैं और ये बेल्ट्स रॉ टैग टीम चैंपियनशिप हैं, जो कि नए जिन्हें नई रीडिजाइन कर दिया गया है और बेट फैन डैन ने कंफर्म कर दिया। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन काइंड ऑफ उन्होंने कंफर्म कर दिया एक फैन के पूछने पर कि ये जो टैग टीम टाइटल्स हैं ये रॉ से रिलेटेड है, ना कि स्मैकडाउन से। स्मैकडाउन में वही टाइटल्स देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में देखने को मिले हैं और ये टाइटल्स पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हमें देखने वाली बात ये है कि क्या ये रेसलमेनिया में देखने को मिलते हैं या फिर उसके नेक्स्ट डे रॉ में देखने को मिलते हैं। अगली न्यूज एनएक्सटी से रिलेटेड है, जहां पर WWE.com ने ऑफिशियली अनाउंस कर लिया है कि उन्होंने कुशीडा को साइन कर लिया एनएक्सटी के साथ डेवलपमेंटल ब्रांड, जो कि न्यू जापान से आ रहे हैं। उन्होंने न्यू जापान में कई सारी चैंपियनशिप जीती हुई और बहुत सही रेसलर हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि आने वाले टाइम में कुशीडा के साथ क्या करने वाले हैं WWE या फिर एनएक्सटी, कब उन्हें मेन रोस्टर में देखने को मिलता है। तो एक एक्साइटिंग न्यूज थी, जो कि विलियम रीगल और ट्रिपल एच ऑब्वियसली जो है एनएक्सटी के कर्ता धरता है, उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया WWE.com पे। तो ये थी कुछ कमाल की न्यूज आज के इस एपिसोड में। क्या आपको सच में लगता है कि जॉन सीना सचमुच रेसल में अपीयर करने वाले हैं या फिर सिर्फ कर्ट एंगल ने अफवाह उड़ाई है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें रेसलिंग पसंद है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।